गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिस पे एक एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हेयर क्यू इज द क्वोशेंट एंड आर इज द रिमाइंडर, and value of r is always lie between 0 and b, 0 से b के बीच में इसकी value lie करती है। और इस method का use करके हम लोगों को HCF find करना है, किसका 135 and 225। तो देखिए किस तरीके से हम इसको इस form में लिख पाते हैं, आपको एक एक बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। 135 को जिस तरीके से division method का हम use करते हैं, जब तक इसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक ये कंप्लीटली जीरो ना आ जाए। और इसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दिस इज ए 225 क्यू फॉर क्वोशेंट एंड हियर दिस इज बी, बी मल्टीप्लाई बाय क्यू, यानी 135 इनटू में 1 प्लस में रिमाइंडर। इस केस में रिमाइंडर कितना आया था 90। फिर इसको भी इसी टाइम से इस फॉर्म में लिखिए, दिस इज ए means 135 b into में q 90 into में 1 plus remainder it is 45, so again 90 is a and this is 45 into में 2 plus में remainder it is 0। जब तक remainder 0 ना आ जाए ये process हमारा चलता रहता है, और finally जिस case में remainder 0 आता है जो previous उसका quotient होता है, ये remainder जो इसका रिमाइंडर होता है वही हमारा इसका क्या होता है HCF आ जाता है। सो इट्स HCF इज 45 बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्लियर? एक प्रॉब्लम और लेते हैं इसकी, उसके बाद मैं आपको दो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूँ आर्डी शर्मा के, जिसमें से एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन में वो भी सिखाता हूँ, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन भी। 867 डिवाइडेड बाय 255, 255 के टेबल में देखिए किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 35 से 15। क्लियर? 7 माइनस 5 इज 2, 6 माइनस 6 इज 0 एंड दिस इज 1। 255 को किया, 2 टू जा 4, 102। जब तक हम इसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। सो 867 इज इक्वल टू ए इंटू में बी इंटू में क्यू, बी इंटू में क्यू प्लस में रिमाइंडर। इसी टाइप से 255 को डिवाइड किया, बी इंटू में क्यू प्लस में रिमाइंडर। 102 को डिवाइड करेंगे, बी इंटू में क्यू प्लस में रिमाइंडर, जब तक कि हमारा फाइनली रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। सो इन दिस केस आवर एचसीएफ इज 51। आगे स्टूडेंट समझ में? तो थोड़ी दो सॉलिड प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, ध्यान से नोट करिए। हमें इसने बोला है इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ वन जीरो थ्री टू एम माइनस फोर जीरो एट इंटू में फाइव, फाइंड एम। नॉर्मली जो हम प्रोसेस करते हुए आए एचसीएफ का
उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वहां तक तो हमें सारा काम एज इट इज करना है। तो ध्यान से देखिए, क्लियर 408 8 माइनस 6 इज 2, 10 माइनस 1 इज 9 एंड 3 माइनस 2 इज 1, 216, फिर 192 पे गए, 6 माइनस 2 इज 4, 11 माइनस 9 इज 2, 192, 8 4 जो 32, 8 2 जो 16 एंड 3 19, सो रिजल्ट इज 1032 इक्वल टू मी 408 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर, फिर 408 को सॉल्व किया हमने, 216 इंटू में 1 प्लस में रिमाइंडर, 216 को लिया हमने, 192 इंटू में 1 प्लस में रिमाइंडर, 192 को हमने लिया, 24 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर। आई होप यहां तक तो बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब मेन मुद्दा है, इसने कहा इफ एचसीएफ इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी ये जो है हमारा सॉरी एचसीएफ है। अब मैं जो बात आपको सिखाने जा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता लग गया कि हमें एचसीएफ बराबर लेके चलना है। आपके सामने एचसीएफ भी नजर आ रहा होगा कितना है, 24। तो 24 मुझे कौन सी लाइन दे रही है, ये लाइन दे रही है। 24 फाइंड करने के लिए मैंने 192 को उधर ले लिया, तो 216 माइनस 192 इनटू में 1, क्लियर। अब मुझे मेरे आंसर में 408 और 1032 लाना है, जिसमें से मेरे पास कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है। तब हम क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद फिर सेकंड स्टेप में चलते हैं। अब मुझे 192 की वैल्यू फाइंड करनी है, 192 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये 408 उसके पास जाके माइनस का हो जाएगा, तो 192 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 408 माइनस 216 इनटू में 1, इज दैट क्लियर। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे 216 इनटू 1, 216 के पास प्लस में इसको लेके आ जाओ और माइनस के 408 को पीछे, जैसे 216 कॉमन लिया अंदर भी 1 यहां भी 1, इट इज 408 216 इनटू में 2 माइनस 408। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, मुझे मेरे आंसर में 408 चाहिए था, वो आ चुका है। किसकी रिक्वायरमेंट है, 1032 की, तो उसके लिए मुझे 216 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहा था ना एक एक करके ऊपर स्टेप में चलते हैं। 216 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1032 माइनस 408 इनटू में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर है। 216 की वैल्यू 1032 माइनस 408 इनटू में 2, तो 1032 इनटू में 2 माइनस 408 इनटू में 2 टू जा 4, 408, तो 1032 इनटू में 2 408, जैसे आप कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1032 इनटू में 2 408 इनटू में 5, इज दैट क्लियर। दिस इज द एचसीएफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ, दिस। नाउ कंपेयर दिस वैल्यू ऑन दिस टर्म, तो आपने क्या देखा, 408 के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, 1032 के साथ में m है, तो m के प्लेस पे कौन है मेरे पास, 2। एग्जाम में आपके पास ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अगर वो यहां पे n दे देते तो आप n के प्लेस पे क्या लिखते, इट इज 5, इज दैट क्लियर। एक प्रॉब्लम और लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन में इससे रिलेटेड और कोई सम पूछने के चांसेस नहीं होते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल लेमा पूछी जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन जो ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं वो इसी पे होते हैं। तो एक प्रॉब्लम और लेने जा रहे हैं हम, इस
जिसने आपसे पूछा है इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72, फाइंड एक्स वाई सेटिस्फाइंग D is equal to 56x plus 72y. Clear? Also show that x and y are not unique. So we have to find the value of x and y. तो अच्छा क्वेश्चन है, जल्द ध्यान से सुनिए क्या करना है हमारे को इसके अंदर. नॉर्मली जो काम हमें करते हुए आ रहे हैं अब तक, 72 को 56 से किया, इसने आपसे पूछा था इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ दिस. तो एचसीएफ तो आपके पास आपको नजर आ गया होगा क्या है, इट इज 8. अब मुझे मेरे आंसर में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो जरा पहले इसको उस फॉर्म में लिखते हैं जो हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म होती है. दिस इज a, b इंटू में क्यू प्लस में रिमाइंडर, सेम हियर, दिस इज a b इंटू में क्यू प्लस में रिमाइंडर, सेम हियर b इंटू में क्यू प्लस में रिमाइंडर. सो एचसीएफ इज 8. आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को. अब जो काम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को उस पर ध्यान दीजिए. मैंने कहा D HCF है, HCF कितना है 8 मुझे कौन सा टर्म दे रहा है, 8 मुझे दे रहा है 56 माइनस 16 इंटू में 3. अब आपने क्या देखा, आपको आपके आंसर में 56 और 72 की रिक्वायरमेंट है. 56 तो है मेरे पास लेकिन 72 नहीं है, तो 72 के लिए मैंने 16 की वैल्यू इस स्टेप से निकाली. कितनी आ जाएगी, 72 माइनस 56 इंटू 1, बाहर मल्टीप्लाई में कितना है 3. जब आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 72 इंटू में 3 माइनस माइनस प्लस 56 इंटू में 3. इसी टाइप से 56 यहां से कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहां पे 1. जब 56 यहां से निकल जाएगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 72 इंटू में 3. तो 56 इंटू में 4 माइनस 72 इंटू में 3. क्योंकि मेरे रिजल्ट में यहां पॉजिटिव साइन है, तो इस पॉजिटिव साइन को करने के लिए इस नेगेटिव साइन को मैंने इसके साथ लगा दिया. क्लियर है? सो D इज इक्वल टू 56x प्लस 72y. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3. So x is equal to 4 and y equal to minus 3 is the right answer. Is that clear? अगर वो आपसे सिर्फ x और y की वैल्यू पूछता तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम यही होता. क्लियर है? अब मैं आपको दो प्रॉब्लम और कराने जा रहा हूं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है. आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th है. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 बाय सम इंटीजर m. तो हम इसके अंदर लेट कर लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी written in the form of 3q plus 1 or 3q plus 2. Clear? तो अब उसने आपसे पूछा क्या है, in the form of square of any integers. तो हमने let किया a को, हमने 3q के equal to में let किया. उसने कहा square of any positive integer, तो हमने इधर भी स्क्वायर लगा दिया
और इधर भी स्क्वायर लगा दें। जैसे आप इसको स्क्वायर करेंगे इट विल बी 9q2। कैन वी ब्रेक इट 3 into 3q2 और इस 3q2 को हमने लेट कर लिया m। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया 3m। इसी टाइप से दूसरे टर्म में हमारे पास a इज इक्वल टू 3q+1। फिर हमने स्क्वायरिंग किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज a स्क्वायर। 9q2 6q को आगे किया और प्लस 1 को पीछे। जैसे आप यहां से 3 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3q2 प्लस 2q प्लस में 1। इज दैट क्लियर? और इस कोफिशिएंट को आप लेट कर लेंगे m, दिस विल बी 3q2 प्लस 2q। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+1। क्लियर है? तो आपसे इसने पूछा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन 3m और 3m+1। तो आपने देखा, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ3m और 3m+1। Is that clear? Next question में कह रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी हमने स्क्वायर की बात करी, अब सेम टू सेम क्वेश्चन में आपको मैं क्यूब से रिलेटेड बातें बताता हूं। तो a इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं क्यूब के रिगार्डिंग, तो इधर भी हमने क्यूब किया, इधर भी हमने क्यूब किया। जैसे आप क्यूब करेंगे 27 क्यूब a क्यूब, क्या हम इसको ब्रेक करके 9 into 3k³ बोल सकते हैं? और इस 3k³ को मैंने m लेट कर लिया, कैन वी राइट इट 9m। इसी टाइप से सेकेंड टर्म है मेरे पास 3q+1। फिर मैंने इस 3q+1 में इधर भी क्यूब किया, इधर भी क्यूब किया। चलो अगले स्टेप में करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 3q+1। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब, 3ab इनटू में a प्लस बी, 27k³ प्लस 1, 9 3 27q² एंड इट इज 9q। जितने भी क्यू वाले टर्म हैं उन सबको पास पास कीजिए प्लस में 1। जैसे हम यहां से 9 कॉमन निकालेंगे इट विल बिकम 3k³ एंड 3q² प्लस क्यू। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, m। सो इट विल बिकम 9m+1। क्लियर है? जैसे मैंने इसको a इज इक्वल टू 3q लिया, 3q+1 लिया, इसी टाइप से हमने क्या लिया, a इज इक्वल टू में 3q+2। इसी टाइप से अगर हम क्यूब करें सबका तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू में a प्लस b, इट इज 27q+8 9 2 18 3 54q² 3 3 9 2 18 2 36q। अब जितने भी टर्म इसके अंदर हमारे पास q वाले हैं उन सबको पास पास कीजिए प्लस में 8। इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, 9। और जो भी हमारे पास इसका कोफिशिएंट है इस पूरे टर्म को हम m लेट कर लेते हैं। क्लियर? 3k³ 6k² प्लस 4q, हेंस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9n+8। तो आपने क्या देखा, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
n cube of any positive integer, which can be written in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8. Is that clear? Okay student, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक था. अगली क्लास में हम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे. Okay, thank you.